थ्री। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भी आपने एक क्लिप देखी होगी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है सोनिया धवन की, मतलब एक रैली थी और उस रैली में नारनौंद में मतलब किस प्रकार था सोनिया धवन के ऊपर मतलब एक हाथ आवा है, तो मतलब आप भी एक बार देख कर बताओ कि मतलब ये जो हाथ आवा है वो मतलब वैसे लग गया है कि जानबूझ कर लगाया जा है। सोनिया धवन जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है नारनौंद है, तो मतलब वे इतना बड़ा चेहरा है तो उसके बाद मतलब इस प्रकार की हरकत करी जा है, मतलब शर्मनाक हरकत है सच में। या अगर कोई मतलब आम महिला है तो उसके साथ क्या उसका है, तो मतलब यह वीडियो है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लग रही है, तो हमने भी देखा, तो हमने सोची कि आप पे भी पूछा कि आपका क्या कहना है कि इस प्रकार से मतलब यह गंदी हरकत जो करी जान लग रही है तो इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आपने देखा कि जो हाथ है मतलब एक तो चलो भीड़ भाड़ में ऊँटा चो जाए लेकिन वो मतलब हाथ पीछे तो बिल्कुल जानबूझ कर वहां पर आने लग रहा है, तो मतलब बड़ी ही शर्मनाक हरकत है या। और आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइए। मतलब जब इतना बड़ा चेहरा है जो कार्यकर्ता है कांग्रेस की सोनिया धवन उसके साथ ऐसा कराया जा सका है, तो मतलब हमारी जो बाण बेटी है जो एक नॉर्मल परिवार आता हुआ है तो उनके साथ क्या कराया जा सका है इतनी भीड़ भाड़ में। और मतलब देखो स्टेज पर, मतलब स्टेज पर इस प्रकार का व्यवहार कराया जान लग रहा है, तो मतलब ऊ जब भीड़ भाड़ हो तो उसमें क्या कराया जाता होगा इसे, मतलब ऐसी मानसिकता के लोग हमारे समाज में रहे हैं कि मतलब स्टेज पे ऐसी हरकत करी जान लग रही है, मतलब यार सोशल मीडिया पे पूरी वायरल होने लग रही फिलहाल यह वीडियो। तो इस वीडियो ने देख कर ना आपका क्या कहना है कि मतलब ये जानबूझ का हाथ लगाया गया वैसे वो करा गया, तो आप भी जरूर बताइए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में। मतलब जो भी है यो जो मतलब इस हाथ ने लगाकर वहां पे मतलब गलत जगह पर टच करने की कोशिश करी जान लग रही है, तो दूसरे भाई ने वो हाथ बल्कि पीछे कराया हटाकर, आपने वीडियो में देखा भी होगा, तो मतलब ऐसे इंसान को मतलब सजा देनी चाहिए, कुछ ना कुछ इसके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप भी बताओ मतलब ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए जो भीड़ में बेटियां का गिला छोरिया की गिला मतलब गलत फायदा उठाने की उनकी कोशिश कर रहा है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दो कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या कहना है, क्योंकि यो मामला किसी पार्टी या उसका नहीं है, यो मामला किसी बेटी की इज्जत का है।